दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा अगर आप SBI योनो का अकाउंट यूज करते हैं तो आप उसमें ईमेल आईडी और पैन कार्ड का जो नंबर होता है आप चेंज कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको योनो SBI जो है ऐप्स ओपन कर लेना है। तो चलिए हम योनो SBI ऐप्स जो है ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे MPIN आपने सेट किए होंगे तो वो डाल के इंटर करेंगे, नहीं तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के भी इंटर कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देख के वहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड भी आप भूल चुके हैं, जो कि मनी ट्रांसफ़र जब आप करते हैं तो आप उसमें वो पासवर्ड यूज होता है वो भी आप भूल चुके हैं, तो आप जो है निकाल सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों चलिए फिलहाल हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर को चेंज करके और दूसरा आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम जो है यहाँ पे MPIN अपना सेट कर दिए हैं, उसके बाद ये देखिए होम पेज आ चुका है, यानी कि मेरा है ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे जो कि आसानी रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही 3 लाइन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। आपको सबसे देखिए यहाँ पे नीचे जो है सेकेंड नंबर पे तो वही पे आपको क्लिक करना है, यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। दोस्तों अगर आप यहां से मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं योनो SBI अकाउंट का, वो भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ईमेल आईडी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए ईमेल आईडी के बगल में एक छोटा सा आइकन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको एड अपडेट ईमेल आईडी और यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इंटर न्यू ईमेल आईडी और री इंटर न्यू ईमेल आईडी, फर्स्ट में आपको जो आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो डालेंगे, उसके बाद जो डाले हैं वही आपको यहाँ पे देना होगा सेम, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अपना डाल लेते हैं। तो ईमेल आईडी देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम नीचे में नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मांगा जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो अगर आप ये जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ये पासवर्ड दे देते हैं। दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए योर ईमेल आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड अपडेट। तो दोस्तों आपका जो है देखिए मैसेज भी आ चुका है, आपका सक्सेसफुल जो है हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं पैन कार्ड का। तो चलिए हम फिर से वही होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो जैसे ही होम स्क्रीन पर जाएंगे फिर से आपको क्या करना होगा, 3 लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए पैन लिंकिंग। तो यहाँ पे देखिए पैन के सामने एक आइकन बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंटर पैन, तो दोस्तों आप इसी तरीके से आप पैन जैसे ईमेल आईडी चेंज किए उसी तरीके से पैन कार्ड का जो है नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो फिर कह सकते हैं चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, और इससे क्या होगा जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।